नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोम अकेडमी में। दोस्तों आज 29 जनवरी को इलाहाबाद और लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच के द्वारा ये जो है निर्णय सुनाया गया है 69,000 शिक्षकों की भर्ती के संबंध में। तो कौन किन किन याचिकाओं पर यहाँ पर आपका जो है आपत्ति डाली गई थी कोर्ट के द्वारा, तो बीएड वाले विद्यार्थियों के संबंध में एक याचिका डाली गई थी कि बीएड वाले विद्यार्थियों को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाए, तो उसके संबंध में जो है कोर्ट ने क्या कहा है ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, बीएड वाले विद्यार्थियों के संबंध में यह याचिका डाली गई थी बीटीसी वाले विद्यार्थियों की तरफ से कि जिस तरीके से पहले भर्ती प्रक्रिया होती थी, प्राथमिक जो टीचरों की भर्ती होती थी उसमें बीटीसी वाले ही विद्यार्थियों को लिया जाता था, बीएड वाले विद्यार्थियों को वहाँ पर नहीं लिया जाता था, तो उसी प्रक्रिया को शामिल फिर से लागू करने के लिए उन्होंने याचिका डाली गई थी कि इसमें से बीएड वाले विद्यार्थी जो हैं उन्हें बाहर किया जाए। लेकिन कोर्ट ने वो याचिका बिल्कुल तो पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है और बीएड वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है कि उन वो जो हैं अब इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हैं और यह याचिका पूरी तरीके से खारिज कर दी गई है। पहला निर्णय आपका बिल्कुल सॉल्यूशन हो गया है उसका। दूसरा जो यहाँ पर याचिका डाली गई थी वो कट ऑफ को लेकर डाली गई थी। कट ऑफ आप सभी जानते हैं आयोग की तरफ से 60 और 65 रखी गई है। 60 उन जातियों के लिए रखी गई है जो जनरल से अलग हैं और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए आपकी जो है 65% की जो है आयोग ने रखी है कट ऑफ। तो उस कट ऑफ को यहाँ पर 40 और 45% करने के लिए जो है विद्यार्थियों ने याचिका डाली थी कि पहली भर्ती प्रक्रिया की तरह यहाँ पर कट ऑफ आपकी 45 और 40 किया जाए, 45 जनरल के लिए और 40 अन्य कैटेगरी के लिए। तो दोस्तों इस याचिका पर कोर्ट ने पूरी तरीके से अपना फैसला नहीं दिया है, लेकिन कोर्ट का जो फैसला है ज़्यादातर झुकाव जो है अभी पूरी तरह आयोग की तरफ को लग रहा है और विद्यार्थियों की तरफ को इसका झुकाव कम लग रहा है। कोर्ट जो है आयोग से लगभग सहमत दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी पूर्णतः फैसला उन्होंने नहीं दिया है और अगली तारीख यहाँ पर दे दी गई है। तीसरी बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट को कट ऑफ से बाहर करने के लिए भी एक याचिका डाली गई थी कि ओबीसी जो आपके कैंडिडेट हैं उन्हें जनरल से थोड़ा बहुत कम रखा जाए, अर्थात एससी और एसटी या अन्य कैटेगरी को जो रिजर्व कोटा होता है उनसे बाहर किया जाए ओबीसी कैटेगरी को। तो यह याचिका भी डाली गई थी कि ओबीसी कैटेगरी को एससी और एसटी के समान ना रखा जाए। तो दोस्तों यह याचिका भी कोर्ट के द्वारा पूर्णतः खारिज कर दी गई है। तो अब ओबीसी कैंडिडेट के लिए यही कोटा रहेगा, वो एससी और एसटी के समान ही आरक्षण पाएंगे इस शिक्षक भर्ती में। जैसे कि उनकी कट ऑफ आपकी यहाँ पर 60 रखी गई है तो वो 60 में ही शामिल रहेंगे। बल्कि विद्यार्थियों की तरफ से याचिका डाली गई थी, उनका कहना था कि एससी की जो कैटेगरी है और एसटी के लिए जो 60% रखी गई है उससे ओबीसी कैंडिडेट को बाहर किया जाए और उनकी अलग कुछ कट ऑफ बनाई जाए। तो ऐसा नहीं है, केवल जो आयोग का निर्णय है उस पर कट ऑफ को लेकर ओबीसी कैंडिडेट जो है 60% वाले में ही शामिल रहेंगे। तो दो निर्णय पर आपका फैसला हो चुका है। बात करते हैं चौथी और अंतिम बात की। देखिए दोस्तों, परीक्षा लीक के कारण परीक्षा को रद्द कराने की याचिका डाली गई थी विद्यार्थियों की ओर से। तो सबसे ज़्यादा जो याचिका है वो परीक्षा लीक के कारण ही उसको रद्द कराने के लिए डाली गई थी। तो इस याचिका पर क्या है, तो कोर्ट में सुनवाई हुई है इस याचिका पर पूर्णतः और विद्यार्थियों का जो पक्ष है वो मजबूत यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि विद्यार्थियों ने लगभग ऐसे ऐसे यहाँ पर 36 सबूत जो है कोर्ट के सामने यहाँ पर पेश किए हैं। 36 सबूतों के द्वारा कोर्ट को यह साबित करने की कोशिश की है कि यह परीक्षा पूर्णतः लीक हुई है। तो कोर्ट जो है विद्यार्थियों की सुनवाई के लिए पूर्णतः सहमत है और आयोग की तरफ से भी यहाँ सिफारिशें की गई। आयोग ने अपनी जो है सिफारिश की है कि परीक्षा जो है संपन्न कराने में कोई भी असुविधा नहीं हुई है, केवल मुश्किल से एक या दो सेंटर पर हुई है। लेकिन कोर्ट का कहना है कि अगर एक भी विद्यार्थी के साथ कुछ गलत होता है या एक भी सेंटर पर परीक्षा का जो प्रारूप है वो कुछ गलत होता है तो परीक्षा जो है अच्छी नहीं मानी जा सकती। तो कोर्ट का निर्णय जो है विद्यार्थियों की तरफ को झुकाव यहाँ पर दिख रहा है, तो यह परीक्षा रद्द हो सकती है। लेकिन कोर्ट ने जो है 31 तारीख दे दी है नेक इसकी सुनवाई के लिए। तो दोस्तों ये तो थी कोर्ट से अपडेट, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों आपकी क्या संबंध है कि बीएड वाले विद्यार्थियों के लिए सही हुआ है या गलत हुआ है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप क्या चाहते हैं कि कट ऑफ कम की जाए या ना की जाए, लेकिन
कोर्ट का जो झुकाव है वो आयोग की तरफ यहाँ पर दिख रहा है। तीसरा ओबीसी वाले कैंडिडेट को लिए ये जो है यहाँ पर 60% का जो फैसला है कोर्ट का वो सही है या गलत है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यह परीक्षा लीक होने के कारण रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आपकी क्या राय है, परीक्षा लीक हुई है या नहीं हुई है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो ये तो थी 29 जनवरी की कोर्ट से अपडेट। दोस्तों उन चैनलों से सावधान रहिएगा जो बिल्कुल मुंह आपको दिखाते नहीं हैं और अनावश्यक बकवास यहाँ पर करते रहते हैं, सभी चैनलों से उनसे सावधान रहिएगा। जो चैनल आपके माध्यम से यह बताना चाहते हैं, उल्टी सीधी खबर लाते हैं, दिन निकलता नहीं है और कोर्ट की कार्रवाई को यहाँ पर साबित करना चाहते हैं, तो उन चैनलों से आप सावधान रहिएगा। अभी अभी कोर्ट की जो कार्रवाई है वो समाप्त हुई है और अभी अभी हमने आपको जो है अपडेट दी है कि क्या हुआ लखनऊ और इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो दोस्तों ये तो थी वीडियो से संबंधित आपकी जानकारी। आशा करता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में जो कोर्ट की अपडेट है वो आपको समझ में आ चुकी होगी। यदि आपका फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इसी आशा के साथ के आपको वीडियो पसंद आया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।